कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। गणेश जी का पूजन एक व्रत संयोग स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्रुज नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से कहा इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला। हेलो, गुड इवनिंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो कल की आपने पार्ट वन में देखा था, करवा चौथ का पार्ट वन था कि हम लोग रेडी वगैरह होके पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ मैं अच्छे से रेडी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने पूजा करने के लिए जल्दी से साड़ी वगैरह वेयर कर ली है। उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद जाएंगे हम सीधे टेरिस पे। तो यहाँ मम्मी पे बैठा नहीं जा रहा था, तो मम्मी को मैं टिकने के लिए बोल दिया था और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ करवा चौथ का था। तो जो कैलेंडर है मैंने थोड़ा दूर लगाया, तो मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उससे काफी दूर है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो मैं ऐसे झुक झुक के बार बार पढ़ रही हूँ, तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ कथा वगैरह पूरी करने के बाद हम लोग गए थे फिर टेरिस पे।
यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम लोग कर रहे हैं हवन, मैं और मम्मी दोनों मिलके कर रहे हैं हवन। तो हवन करने के बाद हम लोग जाएंगे सीधे ऊपर, मैं थोड़ा सा रेडी और हो जाऊंगी अच्छे से, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर टेरिस पे। तो टेरिस पे हम लोग आ चुके हैं और अभी चांद नहीं आया, तो यहाँ दीपक लेके और छलनी और प्लेट लेके अपनी करवा चौथ की हम लोग आ चुके हैं ऊपर। तो यहाँ मैं और मम्मी है, तो ये है मेरी करवा चौथ की थाली जो कि कंट्रास्ट में है। ये मेरे हस्बैंड के पसंद की थाली है, क्योंकि इस बार मेरे को ना पिंक और रेड पहनना था, तो उसके अपोजिट में मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए थाली चॉइस की थी कंट्रास्ट में, कि आप रेड एंड पिंक वेयर करने वाली हो तो आप येलो एंड रेड में थाली लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो यहाँ ये देखिए चांद आ चुका है, 8:30 के बाद चांद आ गया था। काफ़ी वेट करने के बाद हम लोग ना 7:30 बजे टेरिस पे आ चुके, तो यहाँ मैं ना दीपक लगा लूँगी और चंदा मामा की आरती करने के बाद यहाँ जो अपने बालों से टच करने के बाद ये जो सीख होती है, इसको बांस की सीख बोलते हैं, सात को इस तरह से फेंका जाता है बहुत दूर, जितने दूर फेंकते हैं उतना ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पे मैंने चांद की पूजा कर ली है और यहाँ देखो उनको दीपक वगैरह सब दिखा दिया है, आरती भी कर ली है चांद की मैंने अच्छे से। और उसके बाद में हस्बैंड को मैंने किया था वीडियो कॉल, क्योंकि हस्बैंड नहीं आ पाए, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही आए थे, तो उसके बाद फिर वो नहीं आ पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की टाइम निकाल के आने की, लेकिन आ भी जाते तो वो लेट आ पाते, कम से कम 10-11 बजे के समथिंग। तो चांद तो 8:30 बजे आ ही जाता, तो मैंने उनको बोल दिया था कोई बात नहीं आप नेक्स्ट डे आ जाना। तो यहाँ मैंने उनको वीडियो कॉल करके अपना ब्रेक खोल लिया है। Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey Mr. Bully, what'd you think when you pushed me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on, holding on to your lies. Why do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. Say it's over. Nothing's closer to what you're fighting for. तो यहाँ हमारी करवा चौथ की पूजा हो चुकी है और चांद मामा भी हमने देख लिए हैं, व्रत मेरा खुल चुका है, मैंने स्वीट से और पानी से अपना व्रत खोल लिया है। अब नीचे जाके खाएंगे हम लोग खाना पीना। तो यहाँ पे भाई मेरा थोड़ा सा फोटो सेशन कर रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट्स बना रहा है मेरे करवा चौथ के लुक के। और यहाँ पापा भी घर पर काफ़ी देर पहले 7 बजे आके बैठ गए थे, तो यहाँ मम्मी पापा को भी तिलक लगा रही हूँ और मम्मी भी करेंगे अपना व्रत को खोलेंगी। फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।